हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियर। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जो आज हम लोग मेनली है जो टेस्ट सीरीज देखेंगे। तो टेस्ट सीरीज में आज हम लोग आईटीआई बीएसपीसीएल के लिए जो इलेक्ट्रीशियन की जितनी भी तैयारी कर रहे थे ये उनके लिए है। तो चलिए फिर, तो सबसे पहले आप लोग जो है पेन पेपर रख लीजिए, क्योंकि जो होगा आंसर आप लोग खुद मार्क कर लीजिएगा और फिर आंसर के से हमारे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं। चलिए तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें बोला गया टरबाइन की गति कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन दिया गया गवर्नर, बी वाल्व हाउस, सी प्रतिवर्तक या डी पावर हाउस। तो जो भी करेक्ट होगा उसे आप मार्क कर लीजिएगा, उसके बाद हमारे आंसर के साथ मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट में आते हैं, रिएक्टेंस की यूनिट क्या है। यहाँ ऑप्शन दिया गया हर्ट्स, फेराडे, सी हेनरी या डी ओम्स, ठीक है। जो भी करेक्ट है आप लोग उसे देख लीजिए। और हाँ, ये जो है आप क्वेश्चन जितने भी आपने मार्क करेंगे उसको प्लीज़ भेज दीजिएगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या फेसबुक पे या फिर ईमेल में करके आप भेज सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का एक रैंक निकालेंगे कौन से कितने ने स्कोर किया, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट में देखते हैं, व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होगा जब धारा का मान गैल्वेनोमीटर में होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया इकाई, बी शून्य, सी अनंत या डी 2 एम्पियर। तो जो भी करेक्ट है आप लोग उसे मार्क कर लीजिए। फोर्थ में आते हैं, संधारित्र किस में ऊर्जा रखता है। तो ऑप्शन दिया गया विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, बी चुंबकीय क्षेत्र में, सी विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में या डी रासायनिक में, ठीक है। इस तरह हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई क्या होती है। ऑप्शन दिया गया ए सेंटीमीटर पर केजी, बी बोला गया केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सी बोला गया केजी पर सेंटीमीटर या डी बोला गया यूनिट लेस, ठीक है। इस तरह हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है। ए बोला गया हेनरी, बी बोला गया 1/हेनरी या फिर हेनरी पर मीटर, हेनरी इनवर्स, ठीक है। सी बोला गया हेनरी पर मीटर या डी बोला गया मीटर पर हेनरी। जो भी करेक्ट है आप लोग उसे मार्क कर लीजिए और भेजना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आप लोग पहले आंसर के से आप लोग खुद मैच कर लीजिएगा, जितना है वो ठीक है। अब हम लोग उसी का रैंक निकाल सकते हैं जिसके पास मेरा डेटा आएगा। जैसे आप कैसे भी हमको भेज सकते हैं तो हम लोग उसे देख लेंगे। और साथ में कहीं भी कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वो आप जो फोटो भेजिएगा उसके नीचे लिख दिया कि इसमें जिसमें, तो हम लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे या फिर डायरेक्ट हम आपको उसी टाइम हम लोग कैसे भी करके आपको रिप्लाई करके उसे समझा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ आता है। नेक्स्ट में 7 नंबर बोला गया, बाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया ए बोल्टता को, बी चुंबकीय क्षेत्र को, सी चालक पर लगने वाला बल को या डी धारा को, ठीक है। इस तरह हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, शुद्ध इंडक्टिव जो होता है, इंडक्टिव परिपथ में धारा, ठीक है, जो प्योर इंडक्टिव होता है उसके जो सर्किट में करंट क्या होता है, 90% से पश्चिगामी होती है, 90 डिग्री से अग्रगामी होती है, सी फेज में होती है या डी वोल्टेज करंट विपरीत होती है। इस तरह हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, लाइन वोल्टेज के बराबर फेज वोल्टेज होता है, ठीक है, किसमें, स्टार कनेक्शन में, डेल्टा कनेक्शन में या शॉर्ट सर्किट कनेक्शन में या फिर ओपन सर्किट में। देख लीजिए आप लोग, जो भी रेट है आप लोग उसे मार्क कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आंसर कैसे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, नियंत्रक टॉर्क और विपेचक टॉर्क का क्या करता है। जो नियंत्रक जो कंट्रोल टॉर्क होता है और जो एक ये मेरा क्या है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, तो उसमें क्या होता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया सहयोग, बी विरोध या सी दोनों या डी संबंध नहीं है, मतलब कि दोनों में कोई संबंध नहीं है। जो भी राइट है आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह नेक्स्ट में आता है, लेथ मशीन में किस मोटर का प्रयोग होता है। ए डीसी शंट, बी डीसी सीरीज, सी डिफरेंशियल कंपाउंड या डी क्यूमुलेटिव कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, क्या होगा अगर हम ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई करें। कोई भी ट्रांसफार्मर क्या होगा जब अगर हम लोग उसमें डीसी सप्लाई करेंगे, तो ठीक है। तो ए मेरा क्या कार्य करेगा, बी है मेरा दक्षता बढ़ जाएगी, सी मेरा आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा या डी मेरा वाइंडिंग जल जाएगी। तो जो भी करेक्ट है आप लोग उसे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, नमी सूखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया लाल, भूरा, सी पीला या डी नीला, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, कौन सा मोटर मिक्सर ग्राइंडर में प्रयोग होता है, ठीक है। ए सेडेड पोल मोटर, बी यूनिवर्सल मोटर, सी रिपल्सन मोटर या डी प्रेरर मोटर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में, 15 नंबर बोला गया, घरों की वायरिंग में स्विच कौन सी तार पे लगाया जाता है। ए बोला गया फेज वायर पे, बी बोला गया न्यूट्रल वायर पे, सी बोला गया दोनों पर या डी कोई एक पर भी नहीं, मतलब कोई भी एक पर, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन है देख लीजिए। नेक्स्ट में आते हैं 16 नंबर, बंडल चालकों का प्रयोग करके कोरोना के निर्माण के लिए क्रिटिकल वोल्ट था। जो हम लोग
बंडल जितने कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर को हम लोग बंडलिंग करते हैं, तो उसका कोरोना पे मेरा क्या इफेक्ट पड़ता, तो वो देखना घटेगी या पाया नहीं जाएगा या बढ़ेगा या फिर समान रहेगा, ठीक है। इस तरह हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, हम लोग थोड़ा स्पीड में चलें क्योंकि बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन है। अगर हम लोग थोड़ा अगर स्लो चलें, आपको जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और क्योंकि हम लोग अगर ऐसा थोड़ा धीरे करें तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, कितने मान का कैपेसिटर छत के पंखों में प्रयुक्त होता है, जो सीलिंग फैन होते हैं उसमें कितने कौन से मतलब कि जो कैपेसिटर होता है उसका वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया 25 माइक्रोफराड, बी बोला गया 15 माइक्रोफराड, सी बोला गया 8 माइक्रोफराड, या फिर डी बोला गया 2 माइक्रोफराड। इस तरह हम नेक्स्ट में देखते हैं, 18 नंबर में क्रेन और होइस्ट के लिए किस डीसी मोटर का प्राथमिकता दी जाती है, ए बोला गया संट मोटर, बी बोला गया संचयी कंपाउंड मोटर, या सी बोला गया श्रेणी मोटर, या डी बोला गया इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया, इलेक्ट्रिकल फायर के मामले में किस अग्निशामक के रूप में किसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट बोला गया ए पानी, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सूखा वालू, या डी पेट्रोल। तो जो भी करेक्ट है आप लोग उसे मार्क कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट की तरफ, कौन सा मोटर घरेलू फ्रिज में उपयुक्त होता, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया यूनिवर्सल मोटर, बी कैपेसिटर मोटर, सी सेटेड पोल मोटर, या डी एसी सीरीज मोटर, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, बास्प टरबाइन, ठीक है, जो बास्प टरबाइन होता है बास्प ऊर्जा को बदल देता है, ठीक है। तो जो बास्प टरबाइन है तो वो बास्प ऊर्जा को किस में बदल देता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया रासायनिक ऊर्जा में, बी नाभिकीय ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा में, या फिर डी यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। तो जो भी उसे मार्क कर ले जो भी करेक्ट है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट में देखते हैं, किस कारण से शुद्ध जल विद्युत का संवहन नहीं करता, मतलब किस कारण से जो वाटर है जो जल है वो मेरा कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। प्योर वाटर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है उदासीन, बी पारदर्शी, सी पूर्णता आयनिक, या डी रासायनिक, ठीक है। तो जो भी करेक्ट है आप लोग मार्क कर लीजिए और भेजना बिल्कुल ना बोले, और जहाँ तक हो सके आप लोग इंस्टाग्राम पे ही भेजिए या फेसबुक, क्योंकि उसमें हम लोग को तुरंत मिल जाता है। ईमेल में दिक्कत हो जाता है कि उसमें बहुत सारा मिल रहा था तो हमको थोड़ा फाइंड करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो उसमें कोई कोई छूट भी सकता है। तो इसलिए अगर आपके पास इंस्टाग्राम है या फेसबुक पे है तो आप मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और उस पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो मुझे भी आसानी होगी और आपको भी दिक्कत नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, कौन सा स्विच गियर का उपकरण, इनमें से कौन सा स्विच गियर का उपकरण नहीं है। यहाँ ऑप्शन दिया गया रिले, बी ट्रांजिस्टर, सी ट्रांसफार्मर, या डी फ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, एक कैंडल ऑफ पावर किसके समतुल्य होता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया ए 0.0101 वाट, बी दिया 0.0202 वाट, सी बोला गया 0.0201 वाट, डी बोला गया 0.0102 वाट, ठीक है। और जो आंसर किया है वो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे ही आएगा और फेसबुक पे ही आएगा, क्योंकि अभी इस पर थोड़ा डालने में टाइम लग सकता है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि पता है अभी इसके साथ साथ सॉल्व करने में दिक्कत होगा तो आपको एक दो बार रुक कर ही करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लीज़ इधर उधर से हेल्प ना लें, मतलब कि जैसे कि नेट पर वगैरह पे अभी सर्च ना करें, ठीक है। आप जहाँ तक हो सके फर्स्ट बार में खुद से ट्राई करें, क्योंकि अभी आगे न्यूमेरिकल भी आने वाला, तो ये सब है कि आप लोग खुद से ट्राई करें। उसके बाद फिर हम तो हैं कि हम आपको सबका सॉल्यूशन बता देंगे, जहाँ भी दिक्कत होगा आप बस जो भी फ़ोटो भेजिएगा उसमें है कि नीचे लिख दीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है, ठीक है। हम आपको तुरंत रिप्लाई करके हो सके तो हम बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट में देखते हैं, फ्यूज वायर की रेटिंग हमेशा व्यक्त की जाती है, जो फ्यूज वायर होता है उसका रेटिंग किस में होता है। ऑप्शन दिया गया एम्पियर वोल्ट, बी बोला गया एम्पियर घंटा, सी बोला गया KWH किलो वाट आवर, डी बोला गया एम्पियर, ठीक है। इस तरह हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, कितने मान का कैपेसिटर छत वाले पंखे में प्रयुक्त होता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया 25 माइक्रोफराड, बी बोला गया 15 माइक्रोफराड, सी बोला गया 8 माइक्रोफराड, या डी बोला गया 2 माइक्रोफराड, ठीक है। ओके नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ देखिए फुल फॉर्म ऑफ लेजर पूछा गया, ठीक है। लेजर का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिएगा खुद से, ठीक है। ऐसे पढ़ लेते, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई सन इमिशन ऑफ रेडिएशन, बी बोला गया लो एम्प्लीफिकेशन बाई सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, सी बोला गया लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, डी बोला गया लाइट आर्मेचर ऑफ बाई स्टैंडर्ड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसको अगर आपको पता होगा तो आराम से बन जाएगा तुरंत में, इसमें उतना सोचने की बात नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ते हैं, तो जो वोल्ट मीटर है उसको हम लोग परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, समानांतर में, मिश्रित क्रम, या किसी भी क्रम में। तो जो भी राइट आंसर है उसे मार्क कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 29 में, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की युक्ति है, ए घूर्णन, बी स्थैतिक जो स्थितिक होता है, सी विद्युत स्थैतिक, या डी चुंबकीय, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट में आते हैं, नियॉन लैंप का प्रयोग होता है,
जो न्यून लैंप होता है उसका प्रयोग कहाँ होता है, ए सिनेमाघरों में, बी इंडिकेटर के रूप में, सी स्ट्रीट लाइट में, या डी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, आते नेक्स्ट में, फेरांटी प्रभाव देखा जाता है, जो फेरांटी होता है जो ट्रांसमिशन लाइन में होता है वो मतलब कहाँ देखा जाता है, ए बोला गया डीसी लाइन में, बी बोला गया एसी लाइन में, सी बोला गया टेलीफोन लाइन में, डी बोला गया नेटवर्क लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, किस स्थान पर विद्युत का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन दिया गया पावर हाउस, बी बोला गया सब स्टेशन, सी बोला गया ग्रिड हाउस, डी बोला गया उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट में आते हैं, किस लैंप की दक्षता मापी जाती है, किसी लैंप की दक्षता मापी जाती है, जो लैंप होता है जो उसकी दक्षता किस में मापी जाती है, ए बोला गया कैंडला पावर बाई वाट, बी बोला गया ल्यूमेन बाई वाट, सी बोला गया लक्स बाई वाट, डी बोला गया मीटर पर सेकेंड। जो भी करेक्ट है आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट में देखते हैं, वैक्यूम फिलामेंट लैंप में कौन सी गैस भरी होती है, जो वैक्यूम फिलामेंट लैंप होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है। इसमें कुछ कुछ ज़्यादा इसमें गलत होने के चांसेस रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, लेकिन एक बार ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया ऑप्शन बोला गया वायु, बी बोला गया आर्गन, सी बोला गया नाइट्रोजन, या डी बोला इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, एक तीन फेज वाले तुल्यकालिक मोटर में, ये इसका मतलब ये सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहा है। ठीक है, ए कोई स्लिप रिंग नहीं होती, बी एक स्लिप रिंग होता है, सी दो स्लिप रिंग होता है, या डी तीन स्लिप रिंग होते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए एक न्यूमेरिकल है, बोला गया पी ध्रुव तुल्यकालिक मशीन, मतलब कि कोई भी एक सिंक्रोनस मशीन है जो तुल्यकालिक मशीन है जिसका पोल क्या है पी है, तो उसका स्पीड क्या होगा, उसका गति क्या होगा आरपीएम में, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया 120 पी वाई एफ रूट अंडर 120 एफ इंटू पी, सी बोला गया 120 एफ इंटू पी, डी बोला गया 120 एफ वाई पी। तो ये सब फार्मूला इसको आपको याद होना ही होना चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली तो। ठीक है, नेक्स्ट में आता है, मोटर की तुल्यकालिक गति पर स्लिप का मान होता है, तो जो मोटर की जो सिंक्रोनस स्पीड होती है उस पर स्लिप का वैल्यू क्या होता है, तो ऑप्शन ये दिया गया शून्य, बी बोला गया अनंत, सी बोला गया एक आई, डी बोला गया कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, मतलब कुछ भी हो सकता है। इस तरह नेक्स्ट में आते हैं, ये एक और न्यूमेरिकल है, इसमें बोला गया कि एक सिक्स थ्रू मतलब कि एक सिक्स पोल का 60 हर्ट्ज़ का एक सिंक्रोनस मोटर है, एक छः ध्रुव 60 हर्ट्ज़ तुल्यकालिक मोटर का पूर्ण भार, ठीक है, पूर्ण भार एवं शून्य भार पर गति में अंतर, मतलब कि फुल लोड और नो लोड के जितने स्पीड के जो डिफरेंस है उसका क्या होगा ऑप्शन। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया 800, बी बोला गया 0, सी बोला गया 1200, या डी बोला गया 1500। एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख के इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करके आंसर मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, निम्न में कौन अल्टरनेटर की रेटिंग दर्शाता है, अल्टरनेटर की जो रेटिंग है वो कौन दर्शाता, यहाँ ऑप्शन दिया गया हॉर्स पावर में, बी किलोवाट में, सी वीएआर में, या डी केवीए में। नेक्स्ट में आते हैं, सही संबंध बताएं, जहां इसमें रिलेशन सही पूछ रहा, कौन सा रिलेशन सही है, जिसमें बोला गया पी क्या मेरा ध्रुव है, एन मेरा क्या है सिंक्रोनस स्पीड मतलब कि तुल्यकालिक गति है, एफ क्या मेरा आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें से कौन सा सही रिलेशन है। ठीक है, ऑप्शन बोला गया एफ इक्वल टू एन बाई 60 इंटू पी, बी बोला गया एफ इक्वल टू पी बाई 60 इंटू एन, सी बोला गया एफ इक्वल टू पी इंटू एन बाई 60, डी बोला गया एफ इक्वल टू पी इंटू एन बाई 120। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, 41 की बात करें तो बोला गया 312 किलोमीटर वाली लाइन को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देखिए मध्यम लाइन, छोटी लाइन, बहुत छोटी लाइन, या फिर डी लंबी लाइन। नेक्स्ट में आते हैं, SCSR फुल फॉर्म, जो SCSR यूज़ हुआ आप लोग पढ़े होंगे पावर सिस्टम में, तो जो वायर वाले में उसमें तो इसका क्या होता है फुल फॉर्म, यहाँ ऑप्शन दे दिया गया ऑल कॉपर कंडक्टर रेनफोर्स्ड, बी बोला गया एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, सी बोला गया एल्यूमिनियम कॉपर स्टील रेनफोर्स्ड, या डी बोला गया ऑल कॉपर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, ये सब आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट ये बात करें तो एक और न्यूमेरिकल है, देखिए हम लोग मशीन से थोड़ा न्यूमेरिकल ज़्यादा लिए हैं क्योंकि वहाँ पे देखते तो मशीन, देखिए हम थोड़ा देर रुक जाइए, इसमें होता ये है कि कोई भी एग्ज़ाम में, ठीक है, अगर जिससे ये Bsphcl की बात करें तो इसमें क्या 60 टेक्निकल आएंगे, 40 नॉन टेक, तो अगर हम टेक्निकल की बात करें तो इसमें ऐसा रहता कि 40 से 45 जो है ना वो ईजी टू मीडियम रहता, मतलब कि वो सारे लड़के कर सकते सही से, मतलब कि कर सकते अगर थोड़ा बहुत अच्छा तैयारी हुआ तो। ठीक है, लेकिन जो 15 रहता है वो थोड़ा सा और सब के कंपैरिजन में थोड़ा टफ रहता है। क्यों टफ रहता है, क्योंकि वही जो 15 नंबर है वही आपका सिलेक्शन करवाता है, वही आपका रैंक डिसाइड करता है। 40 से 45 तो बस स्कोर करने के लिए वो सब करता है, वो इजी सब के लिए रहता है। ठीक है, और वो जो जो 10 और 15 नंबर रहते वो उसमें ज़्यादा तो देखा गया कि वो मशीन कहीं पाटा था, क्योंकि मशीन में थोड़ा सा पकड़ कम रहता है लड़कों का। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ न्यूमेरिकल अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि 2-3 भी न्यूमेरिकल आ सकता है, ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जितना भी आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें,
एक 6 ध्रुव 60 हर्ट्ज प्रेरित मोटर में 1160 RPM पर घूम रहा मोटर की स्लिप की गति क्या होगी। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लीजिए। इसमें बोला गया एक 6 पोल का 60 हर्ट्ज का जो मोटर है उसका 1160 RPM है। ठीक है, इंडक्शन मोटर है तो 1160 RPM पर घूम रहा है, तो मोटर की स्लिप की गति क्या होती है, आप लोग इसे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं इनमें से कौन सा मोटर सबसे कम शोर करता है। ए बोला गया कैपेसिटर मोटर, बी बोला गया यूनिवर्सल मोटर, सी बोला गया सेटेड पोल मोटर, या डी बोला गया हिस्टेसिस मोटर। 45 की बात करें तो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है। ठीक है, ए दिया गया I2Y1, बी बोला गया N2Y1, सी बोला गया V2Y1, डी बोला गया बी और सी दोनों, मतलब कि बी और मतलब N2Y1 या और V2Y1 दोनों। नेक्स्ट की बात करें वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है। ठीक है, तो ए बोला गया वोल्टेज नियंत्रण विधि, बी बोला गया फील्ड नियंत्रण विधि, सी बोला गया आर्मेचर नियंत्रण विधि, डी बोला गया डाइवर्टर विधि, फील्ड डाइवर्टर विधि। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, यदि किसी 6 पोल 60 हर्ट्ज मोटर की गति उसके समकालिक गति के 90% है तो मोटर का वास्तविक गति क्या होगा। हाँ, इस तरह क्वेश्चन आते ही आते डेफिनेटली, और ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि कोई भी 6 पोल का 60 हर्ट्ज का एक मेरा सिंक्रोनस मोटर है, और उसका जो मतलब एक मोटर है, ठीक है, और उसकी जो उसका जो रियल स्पीड है, जो उसका वास्तविक स्पीड है, वो मेरा समकालिक स्पीड के 90% मतलब जो उसका जो सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड होगा उसका वो 90% है, तो उसका वास्तविक गति क्या होगा। ठीक है, तो इसे आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। ऑप्शन दिया गया 150, बी बोला गया 1200, सी बोला गया 1350, डी बोला गया 1080। नेक्स्ट आते 48 में, एक शुद्ध इंडक्टर की औसत शक्ति व्यय होगा, मतलब कोई भी प्योर इंडक्टर में कितनी उसके पावर क्या होती है। ठीक है, शक्ति, तो ऑप्शन ए बोला गया ½ LI² भी बोला गया L² / 4, सी बोला गया 2 LI², या फिर डी बोला गया 0। ठीक है, 49 की बात करें तो फुल फॉर्म ऑफ PVC, देखिए इस तरह क्वेश्चन आप लोग देखते ही मार दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो यही होता है, ये सब 40 में कंसीडर किया जाता है, 40 से 45 में सब ईजी और मीडियम वाले में आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको स्कोर करने के लिए, लेकिन जो रैंक और सिलेक्शन डिसाइड करता है वो आपको 15 नंबर डिसाइड करता है जाकर। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए पॉली वोल्टेज क्लोराइड, बी पॉली वोल्टेज करंट, सी पॉली विनाइल करंट, या डी पॉली विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट बात करें 50 में, कैपेसिटिव प्रतिघात जो XC, ठीक है, वो आवृत्ति के बढ़ने पर क्या होता है। जो XC है वो मेरा आवृत्ति के बढ़ने पर क्या होगा, तो ऑप्शन दे दिया है बढ़ता है, बी घटता है, सी स्थिर रहता है, या डी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल लिया गया, 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड द्वारा की गई लाइन धारा। ठीक है, 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड द्वारा की गई लाइन धारा 10 एम्पीयर है। ठीक है, तो प्रत्येक फेज में धारा कितनी होगी, मतलब कि एक 3 फेज का डेल्टा कनेक्टेड लोड है उसमें जो लाइन करंट दिया गया वो 10 एम्पीयर है, तो पूछा गया प्रत्येक फेज में कितना करंट होगा, तो ऑप्शन दे देगा 10√3, बी बोला गया 10 एम्पीयर, सी बोला गया 10√3 एम्पीयर, डी बोला गया 30 एम्पीयर। ठीक है, ये आपको डेल्टा के लिए पता होना चाहिए कि मतलब कि अगर फेज में क्या होता तो उसका लाइन में क्या होता, ये सब इजीली आपको पता होना चाहिए। 52 बोला गया कि ह्यूमन बॉडी का प्रतिरोध लगभग होता है, ये सब आपको याद रखने वाली बात है। ऑप्शन बोला गया 2000 ओम, बी बोला गया 1000 ओम, सी बोला गया 500 ओम, डी बोला गया 100 ओम। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, 53 की बात करें तो दिए गए चित्र में तथा दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच के टोटल प्रतिरोध ज्ञात करें। तो फिगर हम देखिए, ये फिगर दिया गया, इसमें बोला गया ए और बी के बीच का, ठीक है, मतलब कि ए और बी के जो ये टोटल का मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इसे आप लोग निकाल लीजिएगा, फिर निकाल के सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा कौन से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 4R 2×3R, C2R, या D4R। नेक्स्ट में देखते हैं, 54 में बोला गया क्या 10 mH 6.7 mH और 0.3 mH के 3 प्रेरक समानांतर में है, तो कुल प्रेरक तो क्या होगा। ए बोला गया 10 mH, बी बोला गया 6.7 mH से अधिक, सी बोला गया 0.3 mH से कम, या डी बोला गया 10 mH से 15 mH के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। फिर से है, हाँ, तो ये देखिए एक और है, इसमें मेरा ए और बी के बीच का टोटल का रेजिस्टेंस को निकालना। ओके, तो ये अपना फिगर है, आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिए अच्छे से, ये सब इस तरह क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं और थोड़ा ठीक रहता है, ये सब इजीली इसलिए पड़ता है कि ये सब अगर आप स्टार्टिंग में बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल शुरू में ही बढ़ जाता है। ठीक है, ओके, आते नेक्स्ट में, ऑप्शन दे देगा 9R 2×5R, सी बोला 3R, डी बोला गया 3×7R।
नेक्स्ट में आता है 56 में, किस तार में 10 सेकंड तक किसी तार में 10 सेकंड तक 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस तार में आवेश की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ ऑप्शन दे देगा, ए 5 कूलम, बी बोला गया 15 कूलम, सी बोला गया 20 कूलम, या डी बोला कोई निर्धारित आवेश नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट में आता है अवरक, एक जो अवरक है वो क्या है, ए बोला गया विद्युत का सुचालक है, डी बोला गया ऊष्मा का सुचालक है, सी बोला गया चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, डी बोला गया इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, और 58 की बात करें, इसमें एक और न्यूमेरिकल है, नीचे दिए गए चित्र में ए तथा बी के कुल प्रतिरोध ज्ञात करें अथवा धारा I का मान बताएं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया ये फिगर, ठीक है, इसमें ए और बी जो है इसके अक्रॉस का हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना और प्लस जो यहाँ करंट I है उसका वैल्यू निकालना। तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, ऑप्शन दिया गया 25 ओम, 5 एम्पियर, बी बोला गया 15 ओम, 2 एम्पियर, सी बोला गया 5 ओम, 1 एम्पियर, डी बोला गया 5 ओम, 2 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें 59 की बात करें, तो किसी मोटर में बैक ईएमएफ ज्ञात करें, ठीक है, जबकि टर्मिनल वोल्टेज 50 वोल्ट है और आर्मेचर धारा 10 एम्पियर है और टोटल आर्मेचर प्रतिरोध 0.4 ओम है। ठीक है, ये मेरा डीसी मोटर का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जो कि आता ही आता है, ये अब डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए भी, आईटीआई वाले के लिए डेफिनेट आता है इस तरह का क्वेश्चन। ऑप्शन दिया गया 54 वोल्ट, बी बोला गया 46 वोल्ट, सी बोला गया 110 वोल्ट, डी बोला गया 17 वोल्ट। ठीक है, और जितना हो सके आप लोग बनाकर इंस्टाग्राम पे भेज दें या फेसबुक पे भेज दें, कैसे भी भेज दें, जहाँ आपको भी सुविधा हो। ठीक है, अगर नहीं है इंस्टाग्राम पे तो आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ईमेल से ही भेज सकते हैं, अगर है तो उससे भेज दें। ठीक है, जैसे भी करें, क्योंकि हम लोग देख लेंगे कि कैसी आपकी भी तैयारी चल रही है, आपने कितना किस तरह, और जो भी क्वेश्चन में जो भी डॉट है वो आप क्वेश्चन के नीचे लिख दीजिए कि इतना इतना क्वेश्चन में डॉट है, हम लोग उसका आपको सोल्यूशन उसी पर आपको रिप्लाई बैक करके आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें 16 बोला गया, सेल फोन चार्ज करने के लिए कितना इनपुट वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, जो सेल फोन हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हम लोग इनपुट वोल्टेज कितना देते हैं। तो ऑप्शन दिया गया 7 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट में आता है 61 बोला गया, पावर ट्रांसफर की दक्षता होती है, जो पावर ट्रांसफर होती है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, 100%, बी 98%, सी 50%, या डी 35%। तो जो भी राइट आंसर आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट में आता है, यदि संरचना लाइन की दिशा बदलती है तो किस प्रकार का विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाता है, जो मतलब कि अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है, तो वो अगर कहीं पे मुड़ रहा है, कहीं पे मुड़ता है, तो उसमें कौन सा इंसुलेटर का यूज किया जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप, स्ट्रेन टाइप, या फिर साइकिल टाइप। जो भी करेक्ट है आप लोग उसे देख लीजिए। तो हम लोग का टेस्ट सीरीज आज हो गया कंप्लीट, तो जितना हो सके आप लोग खुद से सॉल्व करें, ठीक है, और एक करेक्ट पे एक नंबर है और नो नेगेटिव मार्किंग है, तो जितना आ रहा है उसको आप लोग खुद से कर ले, सॉल्व कर ले, कैलकुलेट कर ले और हमको भेज दें। ठीक है, किसी भी तरह से आप लोग हमको भेज सकते हैं, चाहे तो भेज दीजिएगा, एंड थैंक यू। और हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन वाले वीडियो लाएंगे या फिर टेस्ट सीरीज लाएंगे, तो उसमें आपको सबसे पहले आप लोग का जो रैंक है वो हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, थैंक यू, एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस टू ऑल, जितने भी आईटीआई की जितने भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप लोग भेज सकते हैं, उनका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए फिर, थैंक यू।